खुश? मैं तो खुश हूँ। ना किसी से बीफ करी, ना डिस्ट्रैक्ट बनाया, अपने दम पर कर रहा है। गाइस कल हमें इनकी गाड़ी आ रही है। क्या? बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी तक। और रात गाड़ी पे आ रही है ब्लू कलर की। So guys, हम लोग पहुंच चुके किचन में और आज बाबू भैया एंड बाबू भैया के पिताजी बनाने वाले नाश्ता। पापा आता है ना, को नाश्ता बनाना? मैंने बर्तन मांजने आते हैं, नाश्ता बनाना। एप्रिन का है? एप्रिन का है? मास्टर शेफ एप्रिन नहीं पहनते, वो उनके वो जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हर्षक, ये तो आपके एप्रिन है। गाइस खुद ही नाश्ता बना रहे हैं। भव्य को तो कुछ आता नहीं सच्ची में, एक घंटे तो बोल रहे भूख लग रही भूख लग रही, कुछ सच्ची में भाई कुछ काम नहीं करती। हाँ बताओ पापा क्या करना है? बटर और ब्रेड हो गया। बटर और ब्रेड ही है ना? घी नहीं चाहिए? नहीं नहीं पापा, घी हम बटर लेकर के आ गए। लेट्स गो गाइस, आज बाबू भैया नाश्ता खिलाएंगे सबको। सैंडी को बुला कर लिया है, बाहर जमाना खाना। ये गाइस धुआं निकल रहा है, ये देखो बाबू भैया ने गाइस ये देखो सीधा गैस पे डाला। इतना नहीं हल्का हल्का कर रहा हूं, गिफ्ट भाई कोई नहीं खाएगा, इतने जले में जल गया वो। जलाना जला के अपनी चाय और अपने बनाए हुए टोस्ट सबको पसंद होता है भाई। जले जुले नहीं, इतना नहीं जला, जल गया पर फिर भी हल्के हल्के कर ठीक बस हल्का एक बार ही निकाल लूं के निकाल दूं। हाँ हल्का हल्का बस ऐसे करके हल्का सा इधर से। हाँ बस हाँ हल्का सा, तो गैस कम कर पहले। हाँ भागा लो क्या क्या ये तुम्हारे लिए बनाना है इसका क्या बनाना है चाट बनाना है इसका इसकी आप शकल देख लो ये आपकी। बस हो गया हल्के हल्के ही होते हैं वो, बस हल्के ही होते हैं। पता नहीं ये जलने की बदबू बोल रहा है। अबे टोस्ट बना रहे तेरा भाई, अबे दिल जल रहा है। अबे दिल नहीं जल रहा, ब्रेड जल रहा है। दिल तो हमारा जल रहा है, हम रोटी बना रहे हैं। और देखो हम बना रहे हैं और जो जिसने भाई ऐसे नहीं होते, वो तेल में होते हैं। हम ड्राई वाले बना रहे हैं ना, बटर स्प्रेड कर देंगे ऐसे होटल मैनेजमेंट कर। तभी बोल रहे तेल वाले बन। हाँ हर्ष चाय बन गई? बॉयल ही नहीं हो रहा अभी तक। भाई बना दे कलम मेरे भाई, बना दे भाई प्लीज। वो ही मैं बोल रहा था, अंकल जी ने सब मिक्स कर दिया। पापा आपको आती है चाय बनानी? पहले दूध मिक्स कर रहे हो। चाय तुम मेरे उस पे छोड़ दो, पहले पानी में वो लगाते हैं ना तड़का। ओ भाई खुशबू तो आ रही है भाई, आ रही खुशबू आ रही गाइस। कलम इन द हाउस गाइस, मेरा भाई भाई पापा बन ऐसे नहीं बनती पापा यार, पापा ऐसे कहां बनती है चाय? अब क्या सब कुछ पहले कल चुहाना कर रहे, रुक तो जा पहले उबलने तो दो पापा उसे। मिक्सचर कैसे होगा अभी देखना। अदरक को कूटो तब टेस्ट आता है। चीनी डाल दी? नहीं कुछ नहीं डाला अभी गाइस। मम्मी के बिना इस किचन में आग लगने वाली है। जैसे जैसे ये ब्रेड बन रही है ना बिना तेल के, जैसे बिना ये बन रही है वैसे ये बन रही है। ये दिख दो चीरिया हो तो ये भी दिखेगा चीरिया। रिवर्स साइकिल अमेरिकन ब्रेकफास्ट है ना, व्हाट इज दिस? ये रिवर्स साइकिल में बन रही है पापा, इररिवर्सिबल एक्शन है वो, पढ़ा था ना? इररिवर्सिबल में बन रही हो। अंकल जी चाय ना फट जाए हमारी बस। गाइस और कल हम बना रहे हैं हमारे नाश्ता, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जिन लोगों को नहीं पता ये पहले HM में था तो ये बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाता था। आज ब्रेड बना रहे हैं। और गाड़ी भी आ रही है ब्लू कलर की। गाइस कल हम इनकी गाड़ी आ रही है, पूरे 30 बंदे हो रहे जाने के लिए। 30 बंदे? 30 बंदे बता रहा था। और इस खुशी में आज ना वो नाश्ता बना रहा है, कल हम एक नाश्ता बना रहे हैं। अगर तुम्हारे ऑन रोड चेयर्स लगा दी चलेगा ना? नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, ये चाय पत्ती देखना पापा कितनी सारी है। हाँ तो तू तो और बड़ा सा डालने के लिए। चाय पत्ती यही थी हम दादी, आपने इतनी सारी चाय पत्ती डाली हुई है। तुम तो और बड़ा सा डालने के लिए। इस व्लॉग पे इतने कमेंट्स आएंगे ना गाइस, बॉयज इन किचन वाले भाई। चाय पत्ती में पूरा पानी वालों को चाय पिला सकते थे हम लोग। तो तू तो और बड़ा सा डालने के लिए। अरे आपने पहले डाल दी ना मिक्स, बहुत ज्यादा है। देखो गाइस कितनी सारी चाय दी थी इससे भी। अदरक देख, अदरक मैंने हमारी लचकन वो गिरा बचकन। अली भाई गिरा बचकन। अब अली भाई गिर गया रास्ते में। इसकी बाइक में था H2 चोट तो नहीं, तभी तो मतलब खड़े खड़े गिरी है। खड़े खड़े वो मुड़ रहे थे, मुझे तो पता था। गाइस कभी खुशी कभी गम ना, इसके लिए तो वो दो चार वो और बुलाना सर्वेंट, जूस भी ले आओ। पर भाई कलम रोटी बना रहे किचन में, हद हो गई भाई। अरे भाई सर दर्द हो रहा तो काम नहीं करना क्या? पापा रोटी बना रहे हैं, कलम रोटी बना रहे हैं। अली भाई जैसा भी लग गया भाई ना भाई, इससे अच्छा तो मैंने आज तक नहीं बनाया होगा भाई। इससे बुरा तो मैं बनाता हूँ, लजीज एकदम। बहुत ये दिस इज परफेक्ट, बहुत
बोलते नंबर वन बना रखा हमारी वो प्रिंसेस की शक्ल तो दिखा दो प्रिंसेस नरुला ये गाइस पू एक मूवी देना ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा करना ही पड़ता है ऐसी नल्ली बहन है तो फिर खुद ही नाश्ता बनाना पड़ेगा बेचारा कलम भाई कलम रोटी बना रहा है बेचारे की गाड़ी की डिलीवरी है गाइस आज रोटी बना रहे क्या रैपर खाना पका पा रहे सो हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू द एपिसोड गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके गाइस एंड आज ना कलम की कार की डिलीवरी है तो वी आर ऑल सेट टू गो मैं जस्ट तैयार हुआ था आज ना बहुत सारे काम थे एक दो ब्रांड की वीडियोस देनी थी बट उससे ज्यादा हम सुपर प्राउड कि आज मेरे भाई की पहली कार आ रही है गाइस पहली कार जिंदगी की क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हाँ गाइस रैपर्स पैसा कमा पा रहे क्योंकि वोल्स अरे कौन सा शोरूम है वोक्सवैगन वोक्सवैगन हम लोग जा रहे गाइस वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं जल्दी तो हम जा रहे हैं आइस बीटी गाइस कार लेने के लिए तो वी आर ऑल सेट टू गो गाइस अभी कलम बाहर आएगा थोड़ी सी फोटेज दे देगा तो बहुत बड़ी बात है डिलीवरी वाली वीडियो पे ना ये बहुत सरप्राइजिंग होगा अरे कलम का करियर कहाँ से उठा है मैंने अभी उसके साथ एक गाना कोलैबोरेशन करा था गाइस जिंदगी पूरी जिंदगी के गाने और उस एक गाने के व्यूज देख कर रहे हो तुमने शूट करा था ना बता दो 2 मिलियन गया कोई गाना आज से पहले कौन सा गया एक हफ्ते में तो कोई नहीं गया क्यों को 2 साल लगे थे मेरे साथ 2 हफ्ते समझ रहे हो हाँ व्हाट जोक्स गाइस जोक्स वो खुद का टैलेंट है भाई कल वाले व्लॉग में तारीफ करी है वी आर ऑल सेट टू गो एंड अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं गाइस एंड आई थिंक इज मेरे को ना मम्मी को भी पिक करना है अभी मम्मी ना नानी के घर है आज वहाँ पर भागवत का आखिरी दिन है सो मैं उनको वहाँ से भी पिक करना है गाइस एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे शोरूम मेरे भाई की डिलीवरी में थैंक यू सो मच भाई मर्च लेने के लिए रो मत चल सीन से एकदम बंदी के लिए भी मत रो ना भाई तुम मैं तो दूर का इंसान हूँ तुम्हारे लिए सही है ऐसी बात श्रेया बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी तक सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड द थिंग इज आज हमारे साथ 3-3 कॉन्वॉय चल रहे हैं वो चेक करो आगे जा रही है हर्ष वाली थार एंड उससे आगे जा रही गाइस एक और गाड़ी एक्चुअली कलम की गाड़ी हम लोग लेंगे ISBT से बट दो काम करने गाइस आज ना गाइस आपको पता है कि नानी की जो भागवत था ना वो खत्म होने जा रहा था तो मेरे को वहाँ पर फॉर श्योर जाना था गाइस मामा जी और उन्हें बुला रखा था मैं ना दिन में स्टैंड का बिकॉज दिन में ना बहुत भीड़ होती है वहाँ पर जब वो टोल पे नो बैलेंस दिखाएगा अभी लोग कैश देंगे तो यार हम लोग निकल चुके हैं एंड एक्चुअली दो दो गाड़ियाँ चल रही है ना तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सामने वाली थार पे बैठा हूँ ये अच्छा तरीका गाइस लोकी घूमने का आज जो कलम वाली गाड़ी आ रही है ना मैं उसका नंबर नहीं दिखाऊंगा गाड़ी तो मैं दिखा दूंगा कौन सी बट नंबर नहीं दिखाऊंगा नहीं तो फिर एटलीस्ट एक गाड़ी तो सेफ रहनी चाहिए सो हम लोग जी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हर्ष के घर एंड द थिंग इज गाइस हम लोग यहां से उठा रहे अपनी GT एक्चुअली हर्ष को ना केक कुक भी लेना है तो ये लोग उठाएंगे मेरे को नानी के घर भी जाना था गाइस सो भी हम लोग यहां से निकल रहे हैं नानी के घर के लिए मेरे साथ GT थोड़ा बहुत साफ सूफ करते हैं बिकॉज गंदी हो गई गाइस ब्लैक वाला पोर्शन ना ज्यादा गंदा होता है यार ग्रीन वाले पोर्शन के कंपैरेटिव में साफ करते हैं और फिर से कोल्ड स्टार्ट करते हैं यार चीटी हमारी धुल चुकी है लेकिन जब भी हम लोग चीटी को धुलते हैं गाइस तो एक सीन हम बहुत हार्डकोर करते हैं बंद करो एग्जॉस्ट बंद करो वाली भाई हम लोग ना इसके एग्जॉस्ट में पानी भरते गाइस और उसके बाद जो शॉट्स आते हैं ना वो बहुत क्रेजी रहते हैं 3-2-1 लेट्स गो तेजी से तो यार हम लोगों ने GT बाहर निकाल लिया GT को अंदर और बाहर डालने में इतनी दिक्कत होती है ना हाँ भाई नई कार की डिलीवरी के लिए एक्साइटेड अली भाई 2 डिलीवरी करा दी हमने आपके इंडिया में है ना अब जब आपकी डिलीवरी हो रही होगी ना दुबई में तब बुलाना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मतलब soon. नहीं बच्चे की बोलो केक हाँ हर्ष भैया लेकर आ रहे थैंक यू सो गाइस अभी हम लोगों को ना पुलिस वालों ने पकड़ लिया था एक्चुअली क्या सीन था पेपर्स मांग रहे थे एंड बाबू भाई के पास पेपर्स हमेशा फुल टाइम रहते हैं बस इसका पोल्यूशन ना एक्सपायर होने वाला है तो मैंने हर्ष को बोल करके पोल्यूशन भी करवा लिया द थिंग इज गाइस जो लोग भी मेन टोल छोड़ करके दूधली वाले रास्ते से जाते हैं ना टोल बचाने के लिए मेक श्योर वहाँ पर रोज शाम को ना RTO बैठे रहते हैं तो मेक श्योर गाइस व्हेनेवर यू आर गोइंग आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो नहीं तो आपका चालान कटेगा फिलहाल अभी शाम के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6 एंड द थिंग इज गाइस मैं मम्मी के पास पहुंच चुका हूँ बट मामा जी से ना डांट खाने वाला हूँ बिकॉज उन्होंने मेरे को दिन में बुलाया था बट दिन में हम लोग वैसे भी नहीं जा सकते थे गाइस सो रात हो ही गई है एंड कलम की ना पहली कार की डिलीवरी है ना तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रखे हैं वो ना 1 घंटे पहले चला गया शोरूम बोल रहा मेरे को पेपर साइन कर रहे हैं बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ मेरा भाई उसने जो करा है ना वो खुद के बलबूते पे करा है
उसने मेरा नाम भी नहीं बताया भी शोरूम में कि हम लोग शोरूम डिलीवरी लेने आ रहे हैं। बोल रहे भाई वो ना 6:30 बजे बंद कर देंगे। मैंने कहा यार कोई शोरूम बंद नहीं करेगा अपने शहर में। एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ उसने जो DHH में जो सीन करा है ना गाइस, मेरे भाई ने खुद के दम पे करा है। एंड आज की डेट में इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट में ही इज द पर्सन जिसने खुद के दम पर 500,000 सब्सक्राइबर्स करे। इंशाल्लाह एक दिन 1,000,000 भी होंगे गाइस एंड खुद के दम पे होंगे। ना किसी से बीफ करी ना डिस्ट्रैक्ट बनाया, अपने दम पर कर रहा गाइस। मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना प्राउड हूँ। मुझे शायद इतना प्राउड अपनी गाड़ी लेने में नहीं होता, बट मेरा भाई अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी ले रहा है ना, कलमिंग। तेरा भाई माइक पे गाइस, पैसा कमा पा रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई रापस, मेरा भाई तो कमा पा रहा है गाइस, बहुत पैसा कमा पा रहा है मेरा भाई। यार हम लोग फाइनली पहुंचे थे मम्मी पापा के पास। और क्या कह रहे हो मम्मी आज अपने छोटे बेटे की बाइक कार डिलीवरी? हाँ श्रेया अंकल कितनी देर में? तू बोल ना, मैं तो तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, हो गया तो हम भी रेडी हैं। चलो चलो चलो, चलो। आ रहे हम लोग भी। बोल अरे हमारी एक्साइटमेंट तो घट गई 3-5 से अब तक। चलो 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 गाइस, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं बाहर ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है गाड़ी को लेकर के। फटाफट मामा जी से मिलते हैं, देन निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर, और बाहर में आपको ना जनता चेक कराता हूँ। वो चेक करो गाइस, वो चेक करो, पूरी रोड ब्लॉक कर रखे हैं। सब क्या हाल है? बढ़िया 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 भाई, थैंक यू। ओके भाई, गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम मेरे भाई की डिलीवरी में। भाई उसका फोन आ रहा है गाइस, कार की डिलीवरी पे, मेरे भाई की कार की डिलीवरी में। वो रहा सामने शोरूम, मम्मी पापा और हम लोगों ने थोड़ा सा पहले निकाल लिया था बिकॉज़ वहां ना बहुत भीड़ हो गई थी यार। एंड इतना ज्यादा प्यार मिलता है ना कसम से गाइस, अपने शहर में इतना ज्यादा प्यार है, इज्जत। लॉन्डे तो छोड़ दो, जो मम्मियां अंकल आंटी बूढ़े लोग आते हैं ना फोटो खिंचाने के लिए, एंड वो बोलते हैं फोटो भी नहीं खिंचाते गाइस, वो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड के लिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों के सपोर्ट के कारण पहुंचे हम लोग यहाँ पर। कारा Okay, sir, आप भी आए हो? हम लोग पहुंच चुके थे शोरूम एंड इट वॉज क्वाइट लेट। एक्चुअली नानी के घर से निकलते हम लोगों को लेट हो गया, बट हम लोग पहुंच गए शोरूम। हाँ भाई, बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी तो यार। हम लोग पहुंच चुके थे शोरूम एंड चेक दिस आउट, ये रही कलमिंग की नई गाड़ी गाइस, नई गाड़ी। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी, मैंने ये गाड़ी देखी नहीं अभी तक, मुझे तो पता नहीं था इसने बुक कब कराई है, बट रियली हैप्पी टू सी दिस। स्टार ऑफ द इवनिंग आ रहे यार, मम्मी भी पहुंच चुकी है डिलीवरी लेने के लिए। आई नो थोड़ा सा लेट पहुंचे हम लोग, बट हाँ भाई कौन सी गाड़ी है? मुझे तो यार नाम भी बहुत लंबा है इस गाड़ी का। मालकिन इज हियर गाइस, हमारे घर की मालकिन आ गई है फाइनली। 9-13 गाड़ियों की मालकिन जो माँ पहले रुक के सुन बैठी थी, आज उसके गले में आई सी आई से। अब पापा हिसाब नहीं करते, मैं दाब के रखता हूँ ट्रिगर को हाथ से। हाँ भाई कब आए तुम? हाँ भाई कलम, कंग्रेचुलेशन भाई। यहाँ बॉम्ब लगाना पड़ेगा गाइस, ब्लॉग में नहीं आ रहे भाई, ब्लॉग में आते नहीं। 200 रुपए दूंगा ब्लॉग में ले आओ उसे। गाइस ये चेक करो कलमिंग का ये वाला केक, तुझे भी नहीं आ रहा बोलना। फॉक्सवैगन गाइस, काटे जा रहे केक इनकी बेटे की पहली गाड़ी का, छोटे बेटे की गाइस, बड़े बेटे दूसरे बेटे की पहली गाड़ी। अच्छा उस साइड से रुक जाओ पापा, अभी नहीं, उधर इधर उधर, इस साइड से, इस साइड से, उस साइड से, उस साइड से पापा, कार की साइड से। कलम जा भाई, जा भाई, और आप भी जाओ ना, मैं शूट करती हूं। पॉपर पॉपर गाइस, छी छी, कांग्रेचुलेशंस गाइस। कॉल की फोड़ते हैं, कांग्रेचुलेशंस पहले मम्मी को, आप ही तो हमारे सफलता के पीछे का राज सब कुछ।
ओ बड़ा भाई, तेरा भाई माइक पे है। क्या बोल रहे अंकल जी, फेस पर लगाऊंगा? अंकल जी बोल रहे मैं फेस पर लगाऊंगा। एक और सिक्योरिटी बढ़ चुकी है बाकी कलमिंग की। ये देख रहे हो ये जो ये केक हम लेके आए, ये केक हमने प्रिपेयर कराया, ये वाला केक लेकर के आना था ना, तो हम बिटिया बेकरी से ले आते फिर। कौन सा वाला? ये वाला केक अरेंजमेंट क्यों नहीं कराया डिलीवरी के लिए? एंड गाइस हमारी प्यारी सी बेटी इज आल्सो हियर, उसको पता है कि केक आ गया मेरे लिए। नहीं खा रहा। वो जानता है कि मैंने क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना। चलो यार, हियर इज द फ्रेम, हमारे मम्मी पापा रिवील करेंगे। कलम को तो बुलाओ, कलम जल्दी आ। ओके यार, नाउ इज द टाइम, हम लोग फाइनली कार रिवील करने वाले हैं। पापा व्हाट इज द एक्साइटमेंट? अब खोल के अभी देखो, अभी तो बताया नहीं मेरे को। सच मेरे को खुद नहीं पता कि कौन सी कार ले रहे हैं लोग। अरे कार का मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे लिए बाइक आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो कार की मुझे इतना तो पता है कि कार आ रही है। ये कुछ भयंकर होने वाला है इस डिलीवरी पे। बढ़िया बढ़िया, फाइनली गाड़ी अब हो गई डिलीवरी। ये हुई ना बात। लो पापा स्टार्ट करो फटाफट, बैठ खराब पहले। पापा मम्मी को मत दो स्टार्ट करने। मम्मी शोरूम के बाहर नहीं चाहिए गाड़ियाँ, प्लीज मम्मी शोरूम के बाहर। ये सी से भाई हट जाओ आगे से। तो यार मम्मी पापा अब कार स्टार्ट करने वाले फाइनली। हमारे दो सुपरस्टार बैठ चुके गाइस। तेरी सुपरस्टार में तो बैठ गई ऊपर। आज छोटे लड़की के लिए बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कुछ और सनरूफ भी है गाइस इसमें। मस्त मीटअप पे गाइस, मीटअप के लिए नई कार मिल गई हमें। भव्या मीटअप के लिए नई कार मिल गई हमें। लो पापा स्टार्ट, पहले पता है ना वही ऐसे। हाँ भाई। खुश? मैं तो खुश हूँ। मजा आ गया। कैसा लग रहा है पापा अपने छोटे बेटे की पहली गाड़ी देख करके? अब सबकी हो गई ना, अब अच्छा की होगी ना, अच्छा लगता है। हमारे घर में सबकी गाड़ी हो चुकी है। अभी ना सैंडी और जूली के लिए लानी है। हाँ तो भी लानी है, छोटी गाड़ी। बस इतना ही अमीर बनना है कि अपने कुत्तों के लिए गाड़ी खरीद सकता था। फिलहाल अभी माँ पापा बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। एंड चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही गाड़ी सही में।